आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। आपको बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा लगातार जो भी प्रखंड या जिला में जितने भी मुख्यालय हैं वहां पर जो बालू तस्करों का मामला सामने आ रहा था उस पर लगातार सरकार लगाम लगाने ठीक है मशीनरी प्रॉब्लम है और ये विफलता का भी परिणाम होता है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये झाझा प्रखंड का बालू तस्करों के द्वारा स्टोर किया गया एक बहुत ही बड़ा जहां सैकड़ों सीएफटी बालू को स्टोर करके रखा गया है और सरकार भी एक तरह से लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि खनन विभाग के पदाधिकारी और स्थानीय झाझा प्रशासन यानी थाना प्रभारी जो है श्रीकांत जब्त कर लिया गया है। अब देखना यह है कि आगे इसके आगे की चरण प्रशासन क्या अपनी भूमिका निभाती है और जो बालू तस्करों की ने ये जो वारदात की है क्या इस पे शिकंजा कसा जाता है या फिर उनको पकड़ा जाता है। देखिए हमारी खास अपडेट। श्रीकांत कुमार थाना अध्यक्ष झाझा जुड़ रहे हैं। सर आज जो सफलता मिली है आपको मुखबिरी के आधार पर लगातार? हाँ लगातार गुप्त सूचना के आधार पर सफलता मिली है, ये बड़ी सफलता है। तो आज सुबह सर आप लोगों ने घटनास्थल पर आके जायजा लिया? हाँ जायजा लिया। अच्छा सर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इतनी मात्रा में बालू निकासी जो हुआ खनन विभाग को बहुत नुकसान राजस्व को नुकसान पहुंचा है, तो क्या सर इस पर आप आगे पुलिस क्या रणनीति बनाई जाए? पुलिस जिला खनन पदाधिकारी हैं, इनके द्वारा FIR दर्ज कराया जाएगा और जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई किया जाएगा। जैसा कि खनन पदाधिकारी ने बताया कि अभी तक पता नहीं चल पाया है जो भू माफिया जिनकी जमीन है, क्योंकि बिना जमीन की मिले वगैरह से तो बालू गिरा नहीं होगा और एक दिन में भी इतना बालू नहीं सर डंप किया गया, लगभग एक दो दिन से लगातार इन्होंने तस्करी की होगी। हाँ इस संबंध में जांच चल रहा है, FIR होगा, जांच चलेगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई। अभी तो ज्ञात ही है सर, ज्ञात तो नहीं हुआ है। हाँ ये तो अभी तो खनन पदाधिकारी जैसा लिख के देंगे वैसा हम FIR करेंगे। अब मतलब सर गश्ती जो रात्रि गश्ती सर बढ़ा दिया जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चार वो गश्ती टाउन में कर दी है, पैदल गश्ती भी हो रहा है, गाड़ी से भी गश्ती हो रहा है और हम अपने पर डे गश्ती कर रहे हैं। रेट छपा झाझा में थोड़ा अपराध बढ़ा है क्योंकि पैसा भी देखिए कल परसों भी छीन के 3 लाख दिन दाड़े भाग नहीं अपराध वैसा कोई सर अगर हमारे हमारा सीधा कहना का मतलब अगर पेट्रोलिंग होगी तो निश्चित रूप से लोगों में भय। बिल्कुल हम प्रत्येक दिन निकलते हैं, एक दिन भी ऐसा नहीं है जो हम नहीं निकले, प्रत्येक दिन हम सुनवाई निकल रहे हैं। मेरा 4 पेट्रोलिंग निकल रहा है पैदल है जो पूरे टाउन को देखता है, हम स्वयं डेली रेट छापामारी कर रहे हैं।